आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। लक्सर के खानपुर क्षेत्र के गिधावाली गांव में एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवकों ने प्रत्याशी को वोट नहीं देने की बात कही, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया और युवक ने फायरिंग कर दी। पितम के लड़के ने मारी जी, पितम था, पितम के लड़के थे दो तीन, 12 की बंदूक थी सर, उस पर दिया एक गोली मारी। हाँ जी, गोली तो न बहुत चलाई फायरिंग, पर एक छर्रा मेरे लग गया। क्यों फायरिंग तो न बहुत सारी करी। क्यों करी फायरिंग आपने? ये तेज मतलब उमेश के नारे लगाए थे कुछ आदमी शराबी से थे, वो गली में घुसाए थे। मैं रुक्का सोड़ गया, मैं बाहर निकल गया घर से, दरवाजे से हमला क्या हो गया। तो पितम की लुकाई नुकाई थी पूरे सैनियों का, जवा उमेश तो कुछ सैनी कहने लगे जी पूरे गाँव का बदनाम ना करो, जो जोधा कह रहा हो सके पूरे गाँव में तम फलाना जुड़ा। इतने में उसके लड़का बंदूक काट तुरंत फायरिंग चालू कर दी। इतनी बात के परी जी, उन्होंने ही फायरिंग बाजी करी हमारे घर के सामने ही। आज आमने सामने घर है उनका हमारा, हम मेरे पति अपनी गैलरी के पास में ही खड़े थे। मेरी लड़की ने मेरे पति का हाथ पकड़ रखा था, पापा घर में चलो तुम, बस उन्होंने फायरिंग करी हमारे। फायरिंग मेरे पति मारी जी उन्होंने। तीन लड़के, दो लड़के उनके तीसरी मंजिल पर चढ़ गए, अपने छतों पर चढ़ गए हुए यार, पत्थरबाजी उनकी औरतों ने करी। मैंने अपने पति की गोली भर कर भीतर खींच ली अपने अंदर किवाड़ों में, इन्होंने गोली एकदम लग तो ही गोली। गिद्धावली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है, अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा इन्हें एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने मतदान के लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहा। बता दें कि बीते 14 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में मतदान हुआ, जिसको लेकर आज अपने कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने कहा कि 63% के करीब रुड़की में मतदान हुआ है, जिससे 50% मतदान रुड़की की जनता ने भाजपा के हक में किया है। भाजपा प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ रुड़की विधानसभा की सभी जनता को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ रुड़की की जनता का, जिन्होंने मतदान के लिए अपने घरों से निकले और मतदान किया और सभी ने इस यज्ञ में आहुति दी और ये यज्ञ जो है सफल हुआ। 10 मार्च को जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है चुनाव और बहुत अच्छा मतदान रहा। यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। वहीं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के रामधाम कॉलोनी स्थित तक्षशिला स्कूल में बने पोलिंग बूथ में रात को हुए हंगामे के बाद सिडकुला पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। चौदह फरवरी को उत्तराखंड में मतदान हुआ था, इसी के मद्देनजर पौड़ी गढ़वाल के समस्त विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को पोलिंग पार्टियों की तरफ से स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगडंडे ने समस्त आरओ के निर्देशित किया है कि अपने अपने विधानसभा में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा करवाएं। बता दें कि इस दौरान पोलिंग पार्टियों की तरफ से सुरक्षा के साथ ईवीएम मशीनों को मतदान स्थल से जेआईसी पौड़ी स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित लाया गया। समाप्ति के पश्चात सारी ईवीएम मशीन और सारी जो निर्वाचन सामग्री होती है आरओ के सुपुर्दगी में आ जाती है और आरओ उसको स्ट्रांग रूम में जमा करता है। हमने इस निर्वाचन के दृष्टिगत हर विधानसभा के लिए एक अलग स्ट्रांग रूम चिन्हित किया है, उसमें डबल लॉक की व्यवस्था है, साथ में उसमें सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था में स्थापित किया है, फायर एक्सटिंग्विशर और सारी व्यवस्थाएं सुचारू जैसा मानक है उसको फॉलो किया गया है। इसके अलावा जो उसका 3 घेरों में सुरक्षा होती है, अंदर का जो घेरा होता है उसको ITBP को सपोर्ट किया गया है, जो कि 24 घंटा इसमें ड्यूटी में तैनात रहेंगे। दूसरा घेरा में PSC का तैनाती किया गया है, जिसके सुरक्षा में ये मशीनों का रखा जाएगा। और तीसरा जो बाहर का घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस जो होगी उसका साथ। टिहरी जिला मुख्य
मुख्यालय के आईटीआई में सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम मशीन जमा कराई गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। टिहरी जिले के सभी विधानसभा सीटों के 951 पोलिंग पार्टियों ने ईवीएम को विधानसभा वार में जमा किया। डीएम का कहना है कि पोलिंग पार्टियों के लिए विधानसभा वार पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहाँ ईवीएम मशीनों को जमा कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जिले में करीब 55% मतदान हुआ है। सारी पोलिंग पार्टीज हमारी पहुंचने की संभावना है, 1-2 बजे के आसपास सारी पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएंगी। उनको यहां पर भोजन व्यवस्था की गई है, इतने ज़्यादा यहां पर टेबल्स लगाए गए हैं और इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है सभी आरओस के द्वारा, ताकि उनको बहुत देर लाइन में लगना ना पड़े और वो अपना जल्दी से ही शीघ्र ही ईवीएम और जो अन्य प्रपत्र होते हैं वो डिपॉजिट करके वो चले जाएँ। तो इस प्रकार से व्यवस्था सुचारू की गई है और उसके अलावा उनको फिर जहां छोड़ने के लिए भी गाड़ियां वगैरह के इंतजाम है, तो पोलिंग पर्सनल वेलफेयर का हमने काफी। उत्तराखंड की सभी विधानसभा में बीते दिन 14 फरवरी को मतदान हुआ है, तो वहीं रुड़की के मंगलौर विधानसभा में भी लगभग 74-78% के करीब मतदान हुआ, जिनमें से मंगलौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी ने दावा करते हुए कहा कि 45% मतदान जनता ने हमारे हक में किया है। वहीं बसपा प्रत्याशी के करीबी माने जाने वाले मरगूब कुरैशी ने बताया कि इस बार 45% मतदान बसपा के पक्ष में मंगलौर विधानसभा की जनता ने किया है। देखिए, मंगलौर विधानसभा पे लगभग 78% लगभग कह रहा हूँ मैं पोलिंग हुआ है और इसमें हमें अनुमान है, हम कम से कम मिनिमम कह रहा हूँ 45% में हम अकेले हैं और बाकी का जो भी बचता है उसमें सारी पार्टियाँ हैं। तौर पे पूरी अल्लाह को बीच में लेके कह रहा हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुत भारी तादाद में जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट पे बहुत मजबूती से लड़ी है। कांग्रेस का हो सकता है तीसरे नंबर आ जाए, लेकिन कस्बे में कांग्रेस से हमारी फाइट है और देहात में भारतीय जनता पार्टी से फाइट है, इसलिए निश्चित तौर पे लगभग 45% में हम हैं और चुनाव निश्चित तौर पे ऊपर वाले को बीच में लेके, अल्लाह को बीच में लेके कह रहा हूँ, चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। पहले तो मैं, मेरे ख्याल से पूरी विधानसभा में जो है हमारा 78 पॉइंट कुछ जो है परसेंटेज हुआ है, उसमें से 40-45% तो इंशाल्लाह मैं आऊँ अकेले में और बाकी में सब है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने दिन रात चुनाव प्रचार में लगे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के मतदाताओं से मिले अपार स्नेह, प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है और 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतदान के बाद विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी अपने आवास पर पहुंचे। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस बार युवा वोटर अपना उत्साह दिखाया है। विकासनगर विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत 75.28% तक गया है, जो इस बार 5% ज्यादा है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 70.58% हुआ था। यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। पूरे प्रदेश की जनता को और विशेष रूप से विकासनगर विधानसभा की महान जनता को धन्यवाद कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में एक रिकॉर्ड बनाया कि आज पूरे उत्तराखंड की तो शायद अभी आंकड़ा ना बता पाऊं, लेकिन देहरादून जिले में सर्वाधिक मत प्रतिशत 75%+ विकासनगर विधानसभा में हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में मताधिकार करना लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम इस चुनाव में किया है और साथ ही साथ बहुत अनुशासन का प्रदेश परिचय भी दिया।
उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग के दौरान मौसम ज्यादातर जगहों पर ठीक बना रहा, लेकिन 15 फरवरी से मौसम के बदलने के आसार बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है। इधर चमोली जिले में हाल में जो बर्फबारी हुई उसका नतीजा यह है कि भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाला हाईवे ग्लेशियर के सड़क पर आने से बंद हो गया है। यह रास्ता खोलने का काम चल रहा है, जो आज मंगलवार से भी चमोली में बर्फबारी होने फिर से होने की आशंकाओं के बीच यह काम प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।